मार्केट का डेटा उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 6 महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टर्स को बहुत ही भयंकर रिटर्न्स मिले हैं, चाहे स्टॉक की बात करें या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करें। और जाहिर सी बात है, अगर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में उछाल देखने को मिलेगा तो सेम तरीके से वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में भी उछाल देखने को मिलेगा उसी हिसाब किताब से। लेकिन क्या बात हुई है कि कुछ दिनों से आप देखेंगे, पिछले कुछ दिनों से स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और ये 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ते दिन इस तरह के टाइम के बाद एक गिरावट ज़रूर वहाँ पर देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सेबी ने जो वॉर्न किया है म्यूचुअल फंड एएमसीज़ को मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेकर, शायद उसकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हो रही है, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो हम आज इस पर डिटेल्स में बात करेंगे, क्या रीज़न है, क्यों गिरावट हो रही है, ये गिरावट और कितना ज़्यादा हो सकती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या अभी स्मॉल कैप से निकलना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि क्या बेच ही देना चाहिए या फिर लार्ज कैप वगैरह में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब इस तरह के जो भी मैटर्स हैं ना, इन सारे मुद्दों के ऊपर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्मॉल कैप में गिरावट हो रही है, बात सही है। अब हम ये बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये जो कह रहे हैं कि भाई सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउस को जो वर्न किया है इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेकर, मिड कैप और स्मॉल कैप के एसेट को लेकर, उसकी वजह से गिरावट हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछले 1 महीने में मार्केट के कंडीशन क्या रहे हैं, अलग अलग मिड कैप और स्मॉल कैप के जो भी इंडाइसेस हैं, पहले हम उनके रिकॉर्ड देखते हैं, उनके रिजल्ट्स देखते हैं, पिछले 1 मंथ में किस तरीके के रहे हैं। सबसे पहले अगर निफ्टी स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो पिछले 1 मंथ में इस इंडेक्स ने 5.31% का माइनस रिटर्न्स दिया है। जी, निफ्टी स्मॉल कैप 100 की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 1 महीने में 5.31%, मतलब 5.31% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। मैं स्क्रीनशॉट भी आपके सामने शो कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अगर बीएससी मिड कैप के अगर 1 मंथ की अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो पिछले 1 मंथ में इस इंडेक्स ने 0.41% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। उसी तरीके से निफ्टी मिड कैप की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी 0.26% का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिला है पिछले 1 मंथ में। बीएससी स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 1 मंथ में 4.61% का रिटर्न्स देखने को मिला है, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स रहा है, माइनस में ये रिटर्न्स रहा है। अब मैं आपको इन सारे इंडाइसेस के रिटर्न्स क्यों दिखला रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे या फिर आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है। देखिए, एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि सेबी ने जो म्यूचुअल फंड हाउस को वर्न किया है स्मॉल कैप मिड कैप और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है, ये सरासर गलत है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका असर नहीं पड़ा है, पड़ा है बिल्कुल, थोड़ा बहुत असर उसका पड़ा है, बहुत ज़्यादा का असर नहीं पड़ा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेबी ने वर्न कब किया था, 4 दिन पहले, 4 नहीं, मतलब 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, 14-15 दिन पहले, यही टाइम पीरियड है ना, इतने ही दिन पहले वर्न किया था ना म्यूचुअल फंड हाउस को इक्विटी और मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट को लेकर। लेकिन मार्केट में गिरावट तो 1 महीना पहले से हो रही है सर, सोचने वाली बात है। सो आई थिंक के दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। और हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि सेबी के वार्निंग की वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में। अब बात आती है कि भाई गिरावट हो क्यों रही है। देखिए, 2 मेन और मेजर रीज़न। सबसे पहली बात, स्मॉल कैप और मिड कैप जो होते हैं ये ऑलरेडी वोलेटाइल होते हैं, ये इस कैटेगरी के जो भी फंड्स होते हैं उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी बात, मैं बराबर बोलता हूँ कि भाई विदाउट रीज़न अगर मार्केट में गिरावट हो रही है तो आप ये समझ लेना कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है,
और आपने देखा है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि वन साइड में अगर मार्केट बिल्कुल रैली पे रैली किए जा रही हो तो उसके बाद अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें पहली बार हो रहा है, तो जिस हिसाब किताब से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है उस तरीके से आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये गिरावट कब तक चलेगी, तो देखिए अब जो मार्केट का एक रुझान बन रहा है, मार्केट का जो एक सिनेरियो बनते जा रहा है, धीरे धीरे अब लोग जो है ना पैसे इसी तरीके से हो सकता है कि निकालें, बीच बीच में मार्केट मैनेज भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकालते ही रहेंगे, मैनेज भी होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हाल फिलहाल में चलता रहेगा ऐसा मार्केट में। अब एक सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं, भाई इस तरह का सवाल आया है, जी हाँ आ रहे हैं इस तरह के सवाल, अब आने शुरू हो गए और भी बहुत सारे आने वाले हैं कि क्या अभी स्मॉल कैप से निकल जाना चाहिए या फिर स्मॉल कैप के पैसे निकाल कर किसी अदर फंड में जैसे लार्ज कैप वगैरह में या फिर उसके अलावा जो कई सारे ऐसे फंड्स हैं जहां पर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले जो निकलने की बात करते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, सर देखें अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है तो आई एम श्योर कि आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि साल दो साल डेढ़ साल तीन साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना भी चाहिए, 5 साल से 10 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, ऊपर जितना भी जा सके उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपने किया भी होगा तो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो शिफ्ट करने की बात करते हैं कि भाई अभी वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, गिरावट हो रही है, तो क्या अभी हमें निकल जाना चाहिए या शिफ्ट कर लेना चाहिए किसी अदर कैटेगरी के फंड में जैसे लार्ज कैप में, तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, देखिए मैं बराबर एक चीज़ बोलता हूँ कि सिर्फ रिटर्न्स ही सब कुछ नहीं है, और इसका ये मतलब नहीं है रिटर्न्स पाने के लिए हम कुछ भी कर जाएं और रिटर्न्स के लिए हम अपनी पोर्टफोलियो को जैसे पाए वैसे क्रिएट कर लें और जिस तरह से चाहे उस तरह से फंड्स अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। और मैं बराबर एक बात को बोलता हूँ कि कुछ कैटेगरी के फंड्स ऐसे हैं जिन्हें आपको सिर्फ उस टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि भाई ठीक है यहाँ पर रिटर्न्स तो बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे लेकिन जब गिरावट होगी ना उस टाइम पे ये फंड्स मुझे काम आएंगे, जैसे लार्ज कैप। और लार्ज कैप के रिटर्न्स की बात की जाए तो कई ऐसे लार्ज कैप हैं जिनके रिटर्न्स इतने भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि मैं बराबर देखता रहता हूँ और ये इस चीज़ को आप भी जानते हैं, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शायद वो लोग जो अभी शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं स्मॉल कैप से किसी अदर कैटेगरी के फंड्स में जैसे लार्ज कैप हो गया, मल्टी कैप या दूसरी जगह पे, तो ऐसी जगह पे अगर आप शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूर आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी है और स्मॉल कैप कैटेगरी के ज़्यादा फंड्स हैं, मिड कैप कैटेगरी के ज़्यादा फंड्स हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखा होता तो शायद इस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी सर। अब लास्ट में एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, देखिए अभी हाल फिलहाल में इसको लेकर इलेक्शन को लेकर भी बात हो रही है कि भाई इंडिया के अंदर लोकसभा का इलेक्शन है, इससे पहले पहले मार्केट में 10% 15% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये बात मैं काफ़ी टाइम पहले से कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हो भी सकता है क्योंकि मार्केट कब किस सिनेरियो में चला जाए ये कोई जान नहीं सकता और मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि अगर गिरावट होती है तो फिर आप याद रखें उसी तेज़ी के साथ मार्केट मैनेज भी होगा। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि भाई इलेक्शन की वजह से गिरावट हुई थी, टेम्पोरी गिरावट थी, कोई ख़ास मार्केट रीज़न नहीं था या कोई इंडस्ट्री रीज़न नहीं था या फिर स्टॉक मार्केट को लेकर कुछ ऐसा गवर्नमेंट रीज़न नहीं था जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो और होती रह जाए, वो मैनेज ना हो जल्दी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो सर फाइनली आपको मैंने बता दिया है कि गिरावट का रीज़न जो बहुत सारे लोग बता रहे हैं और जिस रीज़न को मेन रीज़न बता रहे हैं मैं कहता हूं कि वो मेन रीज़न नहीं है, जैसा कि सारा कुछ आपको मैंने वीडियो में बता दिया है। अगर आप बिल्कुल स्मॉल कैप में हैं तो बने रहिए, लॉन्ग टर्म है अभी आपके लिए और शिफ्ट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फाइनली इन सारे मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, इन चीज़ों को लेकर आप अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मैं एक एक कमेंट को ज़रूर ही ज़रूर पढ़ता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।